हाय एवरीवन, वेलकम टू जी क्रिएटिव जनरेशन। आज हम देखने वाले हैं केजी यूकेजी क्लास के लिए टर्म वन एग्ज़ाम मैथ्स का सैम्पल क्वेश्चन पेपर वन बेस्ड ऑन गूगल फॉर्म्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन पेपर है जिसका सिलेबस है काउंटिंग 0 to 100, बैक काउंटिंग, नंबर नेम, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, टेबल 2, 3, मल्टीप्लीकेशन, व्हाट कम्स आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन। हाँ, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं सब्जेक्ट मैथ्स और इसके मार्क्स हैं यहाँ पर 20, तो 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट नंबर्स नेम ऑफ 47। अब 47 का नंबर नेम यहाँ पर बच्चे को बताना है कि उसका 47 नंबर क्या है। अब आप इसको पढ़ के बता सकते हैं एफ ओ यू आर टी वाई 47, तो यू तो नहीं आता है। अब है एफ ओ यू आर एस ई वी एन, ये भी नहीं होता है क्योंकि 47 देखना है हमें। ठीक है, एफ ओ आर टी वाई 40 SEVEN 7, ये इसका राइट आंसर होगा। अब 470 तो कुछ नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है व्हाट इज़ 5 - 2, व्हाट इज़ 5 - 2। अब यहाँ लाइंस ड्रॉ करके भी आप बता सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें से हमें 2 लाइंस कट करनी है। अब कितनी लाइंस बची यहाँ पर, 3, तो अब राइट ऑप्शन है इसका 3। नेक्स्ट है एडिशन 7 + 3, व्हाट इज़ 7 + 3, 7 लाइन ड्रॉ करेंगे, 3 लाइंस, अब सब ऐड करेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। सो अब 10 वाला नंबर हमें फाइंड आउट करना है, कौन सा ऑप्शन है 10, ये वाला डी, तो इस पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है 2, 6 are 12, तो अब 12 फाइंड आउट करना है, 18, 10, 12 और 20, सो ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट आंसर। ठीक है, फिर है हमारे पास व्हाट कम्स आफ्टर 65, 65 के बाद क्या आता है। अब आपको ऐसे बच्चे से पूछना है, अगर वो नहीं आंसर कर पा रहा है तो हम काउंटिंग लिखेंगे 60, 61, 62, 63, 64 एंड देन 65 एंड 66। तो 65 के बाद क्या आया, 66। अब बच्चे से बोलना आप फाइंड आउट करिए कहाँ है 66, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट कम्स इन बिटवीन 86, 88, 86 और 88 के बीच में क्या आएगा। इसके लिए भी आप सेम कर सकते हैं या तो काउंटिंग करा सकते हैं, ठीक है, या वर्बली भी बच्चे बता देंगे क्योंकि ये थोड़ा इजी है। 86 और 87 ऐसे करके भी आप करा सकते हैं, 86, 87, 88, 89। तो आप पूछिए बच्चों से क्या आएगा 86 के बाद, तो 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लिखवा के भी करवा सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 87 और इसका राइट आंसर जो भी है 86, 87, ऑप्शन नंबर बी, उस पर हम क्लिक करवाएंगे। प्रैक्टिस के लिए आप लिखवा के भी टिक करवा सकते हैं जैसे मैंने कराया। काउंट एंड टेल, अब जितने स्टार बने इनको काउंट करवाना है और बताना है कितने स्टार हैं। 1, 2, अब इनको सबको काउंट करेंगे, कितने स्टार हैं 12, तो 2, 2, 12 होता है, 1, 2, 12 होता है, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 12। व्हाट इज़ 3, 7 ज़ा, 3, 7 ज़ा क्या होता है, 3, 7 ज़ा होता है, तो टेबल आप पढ़वाएंगे पहले 3 का पूरा, अगर नहीं बता पा रहा है डायरेक्टली तो फिर क्या होगा इसका आंसर, 3, 7 ज़ा 21। अब ये चारों ऑप्शन में से 21 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, उस पर ही हम क्लिक करवाएंगे। फिर नेक्स्ट है 2, 9 ज़ा, 2, 9 ज़ा 18, अब 18 फाइंड आउट करना है। इसमें बच्चे 81 और 18 में कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं, इसलिए आपको ये अच्छे से पढ़ाना है बच्चे को। सब्ट्रैक्शन 8 - 5, व्हाट इज़ 8 - 5। सो हम यहाँ पर 8 लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं और उसके बाद 5 लाइंस यहाँ से कट करेंगे। आप आराम से कट करवा के बच्चे से पूछ सकते हैं आप कितनी लाइंस बचेंगी यहाँ पर, जैसे 5 लाइंस हमने कट कर दी तो यहाँ 3 लाइंस बची हैं, वही नंबर हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 3, क्योंकि ये सब इसके रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट है व्हाट कम्स आफ्टर 79, 79 के बाद क्या आता है, 78, 81, 80 और 76, सो इसके बाद आता है 80। काउंटिंग करके भी आपको जैसे मैंने बताया था वैसे करा सकते हैं। फिर है नंबर नेम ऑफ 20, 20, 20 का नंबर नेम क्या होता है। ठीक है, TWO 20, ZERO 0, क्या ये है, नहीं ये तो नहीं है इसका आंसर। फिर 02 या TWENTY 20 या TEWNTY, कौन सा आंसर इसका राइट होगा, आपको थोड़े टाइम देना है बच्चों को सोचने के लिए, ठीक है, फिर वो खुद से आंसर करेगा। देखो 20 और ये डी वाले ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि इसमें ई की पोजीशन चेंज है,
ठीक है, ई रॉन्ग प्लेस पर है, इसलिए ये ऑप्शन इसका रॉन्ग है और सी वाला इसका राइट ऑप्शन है। इस तरीके से आपको समझाते हुए बच्चों को प्रैक्टिस करानी है। नेक्स्ट है एडिशन 7 + 4। वॉट इज 7 + 4? 7 + 4 के लिए आप क्या करेंगे, आप 7 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर 4 लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर उसे हम प्लस कर देंगे, एक साथ काउंट कर लेंगे। ये सबसे इजी मेथड होता है बच्चों को काउंट एडिशन सिखाने का। तो हम ऐड कर लेंगे तो क्या आएगा 11। अब 11 नंबर फाइंड आउट करना है कि वेयर इज द 11 ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट्स कम बिफोर 30? 30 से पहले क्या आता है? 30, 30 से पहले क्या आता है? 31, 32, 29। सो आप काउंटिंग कराएंगे 20 से, तो 30 से पहले क्या आएगा? 29। तो वो हम यहाँ लिखवा देंगे, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका 29। नेक्स्ट है व्हाट इज 3 सिक्ज़ा? 3 सिक्ज़ा क्योंकि ये 2 के टेबल डायरेक्टली मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया, बट हमने ऐसे डॉजिंग फॉर्म में कहीं कहीं इंक्लूड कर दिए हैं। 3 सिक्ज़ा 18। MCQ में हम डायरेक्टली लिखवा नहीं सकते, बट ऐसे MCQ दे सकते हैं, तो इसलिए मैंने इंक्लूड किए। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 18। नेक्स्ट नंबर नेम ऑफ 14, नंबर नेम बताना है आपको 14 का और स्पेलिंग देखनी है इसकी क्या होती है। FURTEE N, क्या ये इसकी स्पेलिंग है या फिर, क्योंकि देखो इसमें एक चीज़ मिसिंग है, O N E 1 FOUR, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती। FOURTEN 410 लिखा है, ये इसमें भी एक ई मिसिंग है, ऊपर वाले में क्या ओ मिसिंग था। FOURTEE N, ये परफेक्ट स्पेलिंग है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंट एंड टेल। अब ये पिक्चर पिक्टोग्राफ बने बेसिकली ह्यूमन बींग्स के, या किसी भी आप बेबी का बोल सकते हैं, बच्चों को ये एक इमेजिनरी बनाए। ठीक है, अब इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने पिक्चर्स हैं ये? 8 हैं। तो अब हमें 8 नंबर फाइंड आउट करना है, 6, 8, 7, 8, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट कम्स बिफोर 67? 67 से पहले क्या आता है? अब हम 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, अब 68। अब आपने देखा ये 67 है, इससे पहले क्या आएगा? 66। तो आपको 66 वाले ऑप्शन को ढूंढ के फाइंड आउट करना है। जब भी आप मैथ का पेपर कराएं, किसी भी चीज़ का पेपर कराएं, एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर बैठे, बच्चों को कर करके दिखाते जाएं कि बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इससे हेल्प होगी। व्हाट इज 3 टेंज़ा? 3 टेंज़ा क्या होता है? ये सबको याद होता है, 3 टेंज़ा क्या होता है? 30। अब कन्फ्यूज़न 30 और 30 में हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट वाला इसका ऑप्शन इसका राइट है। व्हाट कम्स इन बिटवीन 90 एंड 92? 90 और 92 के बीच में क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पर? 91। हम काउंटिंग करा के देख लेंगे तो क्या हम इसका राइट आंसर क्या होगा? 91, 92, 93, 94, चलो 4 तक ही लिखते हैं, 91, 92, और बीच में क्या है इसके? 91। तो ये इसका राइट आंसर होगा। मैंने आपको सजेस्ट किया है कि हमने इतने सारे क्वेश्चन यहाँ कर लिए हैं, इसके 20 क्वेश्चंस और हैं, वो वीडियो मैं अपलोड कर दूँगी, वो वाले वीडियो भी आपको देखकर प्रैक्टिस करानी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। हम ऐसे और वीडियो सारे सब्जेक्ट की अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।